फिर से बड़ी खबर से रूबरू आपको करा दें। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के सतीश पूनिया जो है आज 3 बजे पत्रकारों के साथ मुखातिब होंगे, वर्चुअल तौर पर पत्रकारों के साथ में मुखातिब होंगे। दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराई जा रही सहायताओं की जानकारी देंगे, साथ ही में कोरोना काल में केंद्र ने किस तरीके से मदद की है, इन सभी बातों की जानकारी पत्रकारों के साथ साझा करेंगे। सेवा ही संगठन के तहत प्रदेश संगठन के कार्यों की भी जानकारी देंगे। तो दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है प्रेस वार्ता के लिए। अधिक अपडेट के साथ फिलहाल सहयोगी पिंडु सिंह अरुका फोनलाइन पर जुट गया। पिंटू, दोपहर 3 बजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज प्रेस वार्ता करने वाले हैं, मीडिया के साथियों के साथ रूबरू होंगे, हालांकि वर्चुअल तौर पर होंगे, लेकिन क्या मुद्दे रहेंगे जो कि साझा कर सकते हैं, क्या वो मुख्य पॉइंट्स रहेंगे उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के? पिंटू देखिए विजय, जो हालात प्रदेश में बन रहे हैं उसके कोई बड़ा कारण नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, कि ऐसा कोई राजनीतिक कारण हो जिसके लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। दोपहर 3 बजे वो वर्चुअल तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस दौरान तमाम पत्रकार उनसे जुड़ेंगे और खासतौर पर पार्टी की ओर से जो सेवाई संगठन अभियान चलाया जा रहा है कोरोना काल में, जो कार्य किए जा रहे हैं, जो मदद कार्य किए जा रहे हैं, उनकी जानकारी रखेंगे। दूसरी तरफ जो पिछले कुछ दिनों से लगातार इस कोरोना काल में भी जो सियासत हो रही है, जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, जिस प्रकार से केंद्र सरकार पर प्रदेश सरकार की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ऑक्सीजन के कोटे में भेदभाव किया जा रहा है, तमाम जो वैक्सीन है वो नहीं दी जा रही है, फ्री वैक्सीन मिलनी चाहिए थी, इस प्रकार के आरोप जब लग रहे हैं तो उसी के बचाव को लेकर भी मुझे लगता है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया केंद्र सरकार से जो राजस्थान को अब तक जो मदद मिली है ऑक्सीजन की, दवाइयों की, उनको भी लेकर वो जानकारी रख सकते हैं। और दूसरी तरफ हाल ही में 2 दिन पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और प्रभारी अरुण सिंह ने पार्टी के जो तमाम सांसद हैं उनकी बैठक ली थी और सांसदों से पूरा फीडबैक उन्होंने लिया था कि किस प्रकार से मदद केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान को मिली है, वो पूरा डाटा आज वो पत्रकारों के सामने रखेंगे कि कितनी मदद केंद्र सरकार से राजस्थान को मिली है इस कोरोना काल में अलग अलग तरीके की, उसका भी लेखा जोखा रखेंगे। और सेवाई संगठन अभियान के तहत जो पार्टी ने काम किए हैं उसका भी लेखा जोखा वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कहीं ना कहीं जरूरी लग रही है पार्टी की तरफ से, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से सियासी बयानबाजी हो रही है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खातरेवास भी लगातार केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, लगातार उच्च सरकार की ओर से भी चिट्ठियां लिखी जा रही है, भाजपा नेताओं से भी अपील की जा रही है कि आप लोग भी केंद्र सरकार से डिमांड करें, मांग करें राजस्थान को अपने कोटे की जो संसाधन है वो दिए जाएं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी कहीं ना कहीं चुप नहीं बैठ सकती और उसी को जवाब को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी और पार्टी अपना पक्ष जो है यहाँ पर रखेगी। जी जी, चलिए पिंटू बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो वर्चुअल तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के साथियों के साथ में सेवा ही संगठन के तहत प्रदेश संगठन के कार्यों की जानकारी भी देंगे, साथ ही केंद्र सरकार की ओर से क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, लगातार जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं उनकी भी जानकारी देंगे।